भाई साहब बहुत ही बैड न्यूज़ निकल के आई है कि बैटल ग्राउंड इंडिया जो है अब ये गेम बैन हो सकता है। अब कैसे ये गेम बैन इसलिए हो सकता है क्योंकि हमारे इंडियंस के जितने भी डेटा है वो चुपके से चाइना में भेजे जा रहे हैं। यहाँ तक कि आपके फ़ोन का जितना भी डेटा है आप क्या एक्सेस कर रहे हो वो सब सारा का सारा डेटा जो है वो चाइना में भेजा जा रहा है। और अगर आपने अब तक अपने पबजी मोबाइल डाउनलोड कर लिया है और डाउनलोड करने के बाद अगर आपने अकाउंट ट्रांसफ़र भी कर लिया है तो भाई आपके लिए बहुत ही बड़ी दिक्कत होने वाली है। जानने के लिए इस वीडियो में एंड तक बने। दोस्तों ये चीज़ें मैं खुद से नहीं कह रहा बल्कि ING इंडिया जो कि बहुत बड़ी मीडिया वेबसाइट है इन्होंने ये चीज़ क्लेम की है कि हमने BGMI को पूरा का पूरा खेला और खेलने के बाद जब हमने इसका IP एड्रेस चेक किया तो चेक करने के बाद हमें ये पता चला कि जो इसका जितना भी डेटा है ये सारा का सारा Tencent के पास जा रहा है। और देख सकते हो इन्होंने हमारे साथ कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह भी शेयर किए हैं। तो दोस्तों आई थिंक अगर ये इतनी बड़ी मीडिया वेबसाइट अगर ये चीज़ बता रही है तो आई थिंक मेरे हिसाब से गलत तो नहीं होगा। अगर हम क्राफ्टन की बात करें तो गेम आने से पहले क्राफ्टन ने भी काफ़ी सारे वादे किए थे कि हम सिक्योरिटी को टॉप प्रायोरिटी देंगे, यूज़र का जितना भी डेटा है वो सारा का सारा जो डेटा है वो इंडिया या फिर सिंगापुर में स्टोर रहेगा। अगर लीगली कोई डेटा अगर उनसे चाहेगा फिर वो आगे जो डेटा है वो ट्रांसफ़र कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप इस गेम को डाउनलोड कर चुके हैं तो भाई आपका भी जितना डेटा है सारा का सारा जो डेटा है वो मतलब चाइना अभी जा चुका है। और वैसे भी दोस्तों अब हम कुछ कह तो नहीं सकते, वैसे अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं इस गेम को बैन करवाने के पीछे पड़े हुए हैं। बात करते हैं कि अगर आपने अपना अकाउंट जो है वो ट्रांसफ़र कर लिया है तो भाई अब ये गेम बैन कब होगी कोई पता नहीं। जब गेम बैन हो जाएगी आपको एक बार फिर अपनी फेसबुक आईडी या फिर किसी और दूसरी आईडी से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। आपका अब जो वो वाला डेटा है जिसमें अगर आपने रॉयल पास वगैरह लिए होंगे तो भाई अब वो आईडी जो है वो आपकी परमानेंट बैन हो जाएगी, आपका जो अकाउंट है वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। अब बहुत सारे बंदे कर क्या रहे हैं कि वो अपने BGMI में अकाउंट ट्रांसफ़र करने के बाद ग्लोबल वर्जन में भी जब वो लॉगिन करने की ट्राई कर रहे हैं तो भाई उनको लॉगिन वहाँ से नहीं हो रहा है। तो दोस्तों आपको बस ये एक छोटा सा नुकसान तो ज़रूर है, अपनी राय भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर आपका जो डेटा चाइना में जाता है तो क्या आप इस चीज़ से सेटिस्फाइड हो। वैसे बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि यार मतलब हमारा जो डेटा वगैरह है वो जाता है जहाँ जाए जाते रहे लेकिन हमारी जो गेम है वो आनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन चीज़ों की अहमियत समझते हैं। लेकिन दोस्तों अगर ऐसी बात है कि हमारा अगर सारा का सारा डेटा चाइना में जा रहा है तो भाई हमारे लिए हम इंडियंस के लिए फ्यूचर में काफ़ी बड़ी जो प्रॉब्लम है वो खड़ी हो सकती है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इन्फॉर्मेशन के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना। और दोस्तों ये कुछ वीडियोस हैं जो मैं आपको स्पेशली रिकमेंड करता हूँ, इसमें कुछ बड़ी बहुत बड़ी मैंने ग्लिच बताए हैं